हेलो फ्रेंड्स, ये है रेडमी का नोट 5 डिवाइस और आज के इस वीडियो में बहुत सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस को MIUI 10 का बहुत ही कम अपडेट मिला था और MIUI 11 में भी सिर्फ एक दो अपडेट ही देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या डाउट है इसके अंदर। और बहुत से लोग जो हैं मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किए हैं कि एंड्रॉयड पाई का अपडेट Redmi Note 5 डिवाइस को मिला है, क्या ये रियल है या फिर नहीं, इसके बारे में आप बताओ। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि Redmi Note 5 डिवाइस को यहाँ पर 11.0.2.0 का ओरियो बेस्ड अपडेट इंडिया में मिला था, वो भी 4 महीने पहले। इसके बाद कोई भी अपडेट Redmi Note 5 को नहीं मिला है और बीटा अपडेट बहुत पहले ही क्लोज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो लीक्स हुआ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ, ये है 11.0.5 Redmi 5 Plus और इसमें एंड्रॉयड पाई बेस्ड अपडेट देखने को मिल रहा है और इसमें कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। और ये रेडमी नोट 5 का लीक से यहाँ पर उसके ही अबाउट फ़ोन का स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर सेंड किया गया इंस्टाग्राम पेज में बहुत से व्यूअर्स के द्वारा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रियल बात है और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का यानी कि ग्लोबल सपोर्ट में जो Redmi Note 5 है उसको Android Pie का अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मेजर Android अपडेट इसको मिल चुका है और जब Redmi Note 5 Pro को अपडेट मिलना था उस डिवाइस लिस्ट में ये डिवाइस शामिल नहीं था। इसके अलावा आप लिफ्ट में जो देख रहे हैं 11.0.2, इसके जो कोड हैं यानी कि वो बिल्कुल इंडिया का जो है वो देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में जो है वो इंडिया का नहीं है, यानी कि ये कोड चाइनीज़ रोम का भी हो सकता है, चाइनीज़ रोम का ही होगा या फिर इसमें एडिटिंग की गई है, जिसके वजह से यहाँ पर लोगों ने सोचा कि एंड्रॉयड पाई का अपडेट Redmi Note 5 में मिल जाएगा। तो ये फेक इन्फॉर्मेशन है जिससे आप दूर रहें, क्योंकि जो इंडिया का कोड होता है उसके बीच एंड्रॉयड पाई अगर आएगा या फिर कोई भी डेवलपर इसको यूज़ करेगा तो उसमें इंडिया के लिए IN का ज़रूर यूज़ होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि OEGMIX, तो इस तरह से IX जरूर वहाँ पर आएगा। लेकिन उसमें यहाँ पर अलग ही ये कोड है जो कि इंडिया का रोम नहीं था, जिसके वजह से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट देखने को मिला था और मैं रिसेंटली Redmi Note 5 Pro का एक वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि Redmi Note 5 के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, और साथ ही साथ ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया था। तो मैं सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो सके और जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बढ़िया डिवाइस है ये। अब मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में इस डिवाइस को कौन सा अपडेट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि MIUI 12 का ही यहाँ पर अपडेट का वेट करें, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई भी अपडेट आपको अभी तो देखने को नहीं मिलेगा Redmi Note 5 के डिवाइस में, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड हो चुका है। उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का ID होगा, वहाँ पर आप फॉलो करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।